इस न्यूज के प्रायोजक हैं रिदा टूर्स एंड ट्रेवल्स, सोलापुर से पुणे, पुणे से सोलापुर डेली बस सर्विस। रिदा ट्रेवल्स में सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा फ्री ब्लूटूथ और फ्री वाईफाई। ऑफर सीमित 5 सितंबर 2022 से 10 सितंबर 2022 तक। आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर मोला अली चौक में रिफा फाउंडेशन व AIMIM प्रेजेंट साध मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहे फ्री OPD की सुविधा के बारे में सुन बीते 6 सितंबर 2022 को मशहूर मोटिवेशनल टिकटॉकर व यूट्यूबर मौलाना मुफ्ती रशीद खान ने विजिट देकर अस्पताल के संचालक रियाज भाई सैयद को मुबारकबाद देते हुए उनके काम की सराहना की। शालय ने आपकी बातें सुनकर कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी सोच है कि हालात बदलने चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो बस जलनी चाहिए, है ना। तो अल्लाह ने वो आग आपके सीने में दी है तो इसको बुझने मत दो, इसको बुझने मत दो बल्कि इसको। और अजाइम उसको कहते हैं कि जब आप बोले कि मैं ऐसे 10 हॉस्पिटल बना रहा हूँ या 15 कॉलेज बना रहा हूँ तो लोग हंसे आपके ऊपर, तो वो है अजाइम आपके, कि आपको अल्लाह आगे बढ़ाए। बड़े बड़े अजाइम रखो, 10 हॉस्पिटल का इरादा करो, 4 तो बनेंगे, 10 कॉलेज का इरादा करो। आप ऐसे इरादे बनो कि जब लोगों के सामने बोले तो लोगों को हंसी आए, लोग हंसे आपके ऊपर, तब आप कामयाब होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत पॉइंट की बात है, आप उसको याद रखो। ये मत यार मैं अभी बनाया, एक और बनाने का मेरा इरादा है, नहीं मैं 10 बनाऊंगा, एक नहीं 10 बनाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको ये करेगा और अल्लाह बढ़ाता है, मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला चमकाता है, इतना याद रखो। और बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। कुदरत चिड़िया को भी दाना देती है लेकिन घोंसले में नहीं, है ना। आप मेहनत कर रहे हैं, आपको अल्लाह ने इतना यहाँ तक लाया है कि बगैर मेहनत के नहीं है, है ना। लोगों को बोलने को कुछ नहीं लगता है लेकिन बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं है, है ना। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना मेहनत के इंसान चमक ही नहीं सकता, उसी दिए में जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। तो आपने मेहनत की है, अल्लाह ताला आपको बढ़ाएगा। लोगों को सब चमकती चीज़ दिखती है, कह रहे ये तो अभी बहुत बढ़ गए आगे, लेकिन उसके पीछे जो दर्द है वो मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे, समझे। तो जो छाले हैं वो नज़र नहीं आते थे, आपने भाई को बताया ना बहुत बैकग्राउंड में रहते हैं, तो ऐसे ही है, गाड़ी चलती है नज़र आती है, पेट्रोल जलता हुआ नज़र नहीं आता। और ऐसे ही मुफलिस लोग होते हैं जो नज़र नहीं आते,